मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के यमाई शिशु मंदिर स्थित मतदान केंद्र में पहुंच मतदान किया है। सिंधिया ने पहली बार बीजेपी की तरफ से मतदान करने के बाद सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया है। इस दौरान वह कमलनाथ पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता बीजेपी को पूरा समर्थन दे रही है। मतदान करने के बाद सिंधिया ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस किसी भी तरह के मुद्दे बनाती है। कांग्रेस पार्टी देश का नहीं सिर्फ स्वयं का विकास चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहली बार बीजेपी की तरफ से वोट डालने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह पर भी हमला करते हुए कहा कि वह अपने आप को देखें कि प्रदेश का क्या हाल करके छोड़ा था। इधर 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 दूसरे पार्टी कांग्रेस पार्टी स्वतः की सेवा की तरह नहीं, लेकिन जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। संविधान की रक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि संविधान की रक्षा कीजिए। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा कीजिए। कांग्रेस ये कह रही है कि संविधान की रक्षा कीजिए, जनता से अपील कर रही है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपना मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। सर दिग्विजय सिंह से सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पे। सर दिग्विजय सिंह जी कृपा करके अपने आप पर सवाल उठाएं कि उन्होंने क्या हाल करके छोड़ा था मध्य प्रदेश को। थैंक यू।